झारखंड में लगातार 1932 खतियान की मांग को लेकर लगातार आदिवासी मूलवासी सड़क पर आंदोलन करते हुए नजर आ रहे थे। हालांकि दूसरी ओर झारखंड सरकार ने 1932 खतियान के आधार पर स्थानीय नीति को कैबिनेट से मंजूरी दे दी है, लेकिन दूसरी ओर हम आपको एक बार दिखाएंगे कि रांची के धरना स्थल यानी राजभवन के समक्ष लगातार कई लोग अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर पहुँचते हैं ताकि झारखंड सरकार इस ओर कोई पहल कर दे। इस वक्त आप तस्वीर जो देख रहे हैं ये है 10 से 15 साल से कार्यरत जो खतियान लेखन है वो अपनी मांगों को लेकर पिछले 45 दिनों से झारखंड की राजधानी रांची में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम इन्हीं से जानते हैं कि आखिर क्या कुछ मांगों को लेकर ये लोग राजधानी रांची पहुंचे हैं और क्या कुछ इन्हें परेशानी हो रही है। पहले तो ये बताइए कि लगातार झारखंड में खतियान को लेकर जो मांग है वो जोरों शोरों से चल रहा था, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंजूरी दे दी है, आप लोगों का क्या कुछ उसमें काम था और कितनी परेशानी हो रही है जो आप लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए मैडम, रांची बंदोबस्त कार्यालय जो है एक कमिश्नरी के अंतर्गत आता है, ठीक है। झारखंड में 6 कमिश्नरी है, उसमें एक कमिश्नरी है रांची, ठीक है। और हम लोग जो बंदोबस्त कार्यालय के अंतर्गत खतियान लेखन सफाई मोरी रहे, हम लोग जो है विभाग का अति महत्वपूर्ण काम करते हैं जो कि फाइनल खतियान लिखते हैं। वो फाइनल खतियान जिसके आधार पर रैयत को जब खतियान मिलता है उसके आधार पर उसका वंशावली क्लियरेंस होता है, उसका स्थानीय नीति क्लियरेंस होता है, उसका जमीन का जो क्या स्थिति है वो सारा क्लियरेंस होता है। वो अति महत्वपूर्ण काम करने के बावजूद हमने 15 वर्ष तक सरकार का सेवा करते आया और हमारा एक ही मांग है, जबकि झारखंड में हाईकोर्ट का भी आदेश है, सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है कि जो 10 वर्षों से लगातार सेवा विभाग में करते आया है, चाहे उनकी नियुक्ति किसी प्रकार भी हो, उनको समायोजन करना है। लेकिन सारे विभाग में, बहुत सारे विभाग में समायोजन होने के बाद माननीय मुख्यमंत्री का ये विभाग राजस्व विभाग के अंतर्गत बंदोबस्त कार्यालय आता है और ये अपना ही विभाग को नज़रअंदाज कर रहे हैं। इसलिए हमारा एक ही कहना है कि माननीय मुख्यमंत्री, सारे विभाग को आप तो देख रहे हैं लेकिन अपने विभाग को भी नज़रअंदाज क्यों किया जा रहा है? हम लोग 45 दिन से अपना सारा पूजा पाठ छोड़ करके, आप सोच सकते हैं कि दशहरा जैसा पर्व में भी हम इसी राजभवन के प्रांगण में धरना पर बैठे हुए थे। अब समझ में नहीं आता कि आने वाला छठ है, दिवाली है, क्या हम इसी तरह यहाँ पर बैठे रहेंगे अपना परिवार को छोड़ के? हमारा एक ही मांग है, आपसे रिक्वेस्ट है कि जिस तरह सारे विभाग में आप समायोजन कर रहे हैं उस तरह अपने विभाग में, जो मात्र हमारे विभाग में 80 पोस्ट खाली है मोहरीर का और हम लोग मात्र 30 लोग हैं, तो फिर समायोजन करने में कहाँ से कठिनाई आ रही है? हमको लगता है कि आप अगर आदेश देंगे तो अफसर शाही जो हावी है वो आपके आदेश को जरूर पालन करेंगे और हमारा समायोजन अति शीघ्र होगा। तो आप लोग 45 दिनों से यहाँ पर बैठे हुए तो कार्य कैसे हो रहा है? आप लोग कह रहे हैं कि आप लोगों का जो विभाग है वो अति महत्वपूर्ण विभाग है, तो कार्य कैसे हो रहा है? कैसे आप लोग अब खतियान को लिख रहे हैं या फिर उसको एक अलग रूप दे रहे हैं? खतियान लेखन जो हम लोग, जब मालूम होना चाहिए कि जब हम 45 दिन से धरना पर बैठे हैं और बंदोबस्त कार्यालय का खतियान लेखन सफाई प्रशाखा अति महत्वपूर्ण प्रशाखा है, जब वहाँ के कर्मचारी यहाँ पर धरना पर बैठे हुए तो वहाँ का सारा सिस्टम जो प्रोग्रेस है वो ठप है। किसी प्रकार का ना खतियान लिखाई हो रहा है, ना कैंप लग रहा है, ना ही रैयत को खतियान बांटा जा रहा है, तो फिर कैसे प्रोग्रेस होगा? अब जब हमारा समायोजन कीजिए, हम लोग अपना जब जो जिस तरह पहले काम कर रहे थे हम फिर जाके काम करेंगे। और जो आपने दिया है स्टेटमेंट कि पूरे शहर का मैं सर्वे कराऊंगा, तो जब आप खतियान लिखेगा नहीं खतियान कर्मी और खतियान बटेगा नहीं कैंप लगकर, फिर सर्वे कराने से क्या फ़ायदा? रैयत को जब खतियान मिलेगा ही नहीं तब। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री से रिक्वेस्ट करता हूं, नम्र निवेदन करता हूं कि मात्र मुख्यालय में आपका 30 स्टाफ है, उनका अविलंब समायोजन किया जाए और जो विभाग का काम पेंडिंग है उसको सुचारू रूप से चलाया जाए। जाहिर सी बात है कि दुर्गा पूजा पार हो गया, अब दिवाली आने वाला है, उसके बाद लोक आस्था का महापर्व छठ आने वाला है। लगातार 45 दिन से आप लोग धरना प्रदर्शन करें, क्या कोई मंत्री या फिर कोई विधायक आप लोगों से मुलाकात करने के लिए पहुँचे? बंधु तिर्की आए हैं। क्या कुछ उन्होंने आप लोगों को कहा है? उन्होंने कुछ हल्का फुल्का तसल्ली दिला के चल गए, वैसा तो कुछ नहीं बोले। सिर्फ बंधु तिर्की पहुँचे हुए हैं और कोई? मैं बता रहा हूँ कि माननीय बंधु तिर्की ने सारा डॉक्यूमेंट्स मांगा है, उन्होंने कहा है कि मैं सरकार से बात करूँगा और अभिलंब आपके बात को सरकार के समक्ष रखूँगा। उसके बाद विधायक विनोद सिंह भी आए थे, उन्होंने हमारे बात को रखा है अपने पास और उन्होंने अपने स्टेटमेंट भी दिया है कि राजभवन में जो खतियान लेखन प्रशासक कर्मी जो बैठे हुए हैं उन्हें मुख्यमंत्री महोदय अभिलंब समायोजन करना किया जाए। वो अपने प्रेस विज्ञप्ति में भी अपना स्टेटमेंट दिया है और जो है एक हम लोगों ने सीता सोरेन से भी बात रखी है कि मैडम हमारा एक अति महत्वपूर्ण विभाग है, इसको भी देखा जाए।
अब देखें कब सरकार हमारी बात को सुनती है और हमारा संयोजन करती है। आगे क्या कुछ आप लोगों की रणनीति है, क्या इसी तरीके से आगे बैठना है या फिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात करेंगे? हमारा एक ही है कि हम दो दिन के अंदर हमारा समय, सीता सोरेन ने कहा है कि हम आप लोग को समय दिलवा रहे हैं, हम लोग जाके मुख्यमंत्री को बात रोकेंगे। हमारा विभाग जो है उनके ही माननीय मुख्यमंत्री का विभाग है, उनको हमारे बारे में सारी स्थिति से अवगत है। आप जब बात करेंगे तो उन्होंने क्या अपना निष्कर्ष करते हैं, क्या क्यों हमारे मतलब मांग को पेंडिंग करके रखा है, अब उनके मिलने के बाद ही क्लियरेंस होगा। तो जाहिर सी बात है कि जब कोई राज्य का निर्माण होता है तो वहाँ की स्थानीय नीति और नियोजन नीति काफी महत्वपूर्ण होती है, और इसी को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 1932 खतियान के आधार पर स्थानीय नीति को मंजूरी तो दे दी है, जश्न भी मनाया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर खतियान लेखन अपनी मांगों को लेकर राजधानी रांची के राजभवन के समक्ष बैठे हुए हैं। इनका कहना है कि जब से ये यहाँ पे बैठे हैं वहाँ पर यानी कि विभाग में अभी तक कोई भी कार्य नहीं हो रहा है, कार्य बिल्कुल ठप है, और ऐसे में रैयत को भी खतियान नहीं मिल रहा है, ना ही कोई वहाँ पर कैंप लगाया जा रहा है। एक और जहाँ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कहते हैं कि खतियान के आधार पर यहाँ पर सर्वे किया जाएगा, तो इन लोगों का कहना है सर्वे कैसे होगा जब हम लोग यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए। लेकिन खास बात इन्होंने ये कही है कि बंधु तिर्की लोगों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे, उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स लिए हैं। साथ ही साथ जामा विधायक सीता सोरेन भी इन लोगों को आश्वस्त की है कि जल्द से जल्द वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से इन लोगों को मुलाकात करवाएगी। अब देखना यही होगा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जब इन लोगों से मुलाकात करेंगे तो इन लोगों को क्या कुछ कहेंगे। अपने कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ 22 को रांची।